हे गाइस, कैसे आप सभी? सब बढ़िया। तो ऐसा आप सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई मेरे पास एक होम थिएटर है जो कि भाई 3.5 mm वाला है। मतलब आज भी मेरे को भाई वो 3.5 mm अपने फ़ोन में फंसाना पड़ता है, उसके बाद मैं उसको यूज़ कर पाता हूँ। और आजकल दिक्कत है जो है एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए नहीं है, दिक्कत है आईफोन वाले के लिए, क्योंकि भाई आईफोन के अंदर 3.5 mm आता ही नहीं है आजकल। तो मेरे को अपना आईपैड फंसाना पड़ता है क्योंकि आईपैड के अंदर 3.5 mm जैक आता है। तो मैंने सोचा यार इस प्रॉब्लम को पूरा ख़त्म ही करते हैं, और मुझे लगा ऐसी काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो भाई ये डिवाइस देख सकते हो, ये है 3.5 mm का ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसको कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपने होम थिएटर को, या किसी भी कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि आपके पास कार है तो कार के अंदर अगर आपके पास जो म्यूज़िक सिस्टम होता है वो अगर ब्लूटूथ नहीं है तो आप उसको ब्लूटूथ बना सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर ऑक्स का पिन दिया हो या फिर ऐसी 3.5 mm की वायर दी हो, उसको आप ब्लूटूथ बना सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली। और ये अराउंड मेरे को 150 या 200 रुपये कुछ का पड़ा है। अगर आप अपनी ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाओगे तो इसको आपको 100 या 150 रुपये में मिल जाएगा। तो आप जो इसको 100 रुपये में आप अपने होम थिएटर को ब्लूटूथ बना सकते हो। इसका कंप्लीट पूरा ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूँ, सबसे पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लो। अनबॉक्सिंग, अभी हम इसको यूज़ करने वाले हैं, बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इसको जो है अपने होम थिएटर के अंदर यूज़ कर सकते हो, या जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जिसके अंदर कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं हमें करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है हमारा वो चाहिए, ठीक है। और ये हमारा होम थिएटर है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो इसका जो मेन प्लग है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसको हम चालू कर लेते हैं। ये देखो ये चालू हो चुका है, ठीक है। अभी ये देखो बता देता हूँ, अगर आपको साउंड आ रहा हो तो ये जो है चालू हो चुका है। ये है इसका 3.5 mm जैक। अगर आपके होम थिएटर के अंदर सीधा ऑक्स का पोर्ट है, ऑक्स जैक है ये नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यह है 3.5 mm to 3.5 mm की ऑक्स केबल, जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और इसको आप डायरेक्टली जो है अपने होम थिएटर के ऑक्स पिन के आउटपुट में लगा सकते हो, ठीक है। बट हम क्या करने वाले हैं, इसको निकालने वाले हैं। हमारे पास डायरेक्टली 3.5 mm का जैक है, तो हम इसके अंदर इसको जो है कनेक्ट करने वाले हैं। ये देखो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी इसको हमें पावर देना है, तो पावर देने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप लिटरली अपना फ़ोन का जो अडैप्टर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको अडैप्टर से ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक और तरीका बताऊँगा जिससे आप इसको पावर अप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया एंड मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने इसको चालू कर दिया, तो एज यू कैन सी यहाँ पर आवाज़ आई पावर ऑन, और यहाँ पर लाइट भी जल रही है आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसको बजाना कैसे मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि मैं अपने फ़ोन के ऊपर आया, तो मैं ब्लूटूथ खोलता हूँ अपना। एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लूटूथ म्यूज़िक करके एक आएगा, आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो, एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लूटूथ म्यूज़िक करके आएगा जो कि यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी बजा लेता हूँ, लाइक यूट्यूब से आप कुछ बजा सकते हो या यूट्यूब स्टूडियो से बजा सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब म्यूज़िक है मेरे पास जो कि मैं यहाँ पे बजाने वाला हूँ, तो कुछ भी बजा लेते हैं फिलहाल, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये मेरे ही फ़ोन से बज रहा है, लाइक मैंने कोई और कनेक्ट नहीं कर रखा है, ये भी देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है और ये मेरे ही फ़ोन से बज रहा है, ठीक है। बल्कि और मेरे फ़ोन के अंदर कोई 3.5 mm जैक भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो ठीक है गाइस, हाँ तो भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट कर देना क्योंकि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। तो आई विल अप्रिशिएट योर ओपिनियन, और अगली बार से मैं ज़रूर इंप्रूव करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया हो तो एक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा उसको दबा देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए राधे राधे।